शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी का कहना है कि अगर 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री नहीं बने तो वे अयोध्या जाकर राम मंदिर के गेट के पास जाकर आत्महत्या कर लेंगे। रिजवी ने जारी किए हुए बयान में कहा है कि राष्ट्र हर मजहब से ऊपर होता है। जब भी राष्ट्रहित की बात होती है तो मैं कट्टरपंथियों से बात करता हूँ या जब भी कोई बयान देता हूँ तो कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आता है और कट्टरपंथी मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि मोदी को जाने दो, तुम्हारी बोटी बोटी काट देंगे। रिजवी ने कहा है कि देश प्रेम में नरेंद्र मोदी के लिए मोहब्बत है तो गद्दारों में खौफ है। वहीं देश के कुशल प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगर 2019 में किसी भी सियासी दल का नेता देशद्रोही की मदद से बन जाता है प्रधानमंत्री तो उन पर आफत आ जाएगी। तो उन्होंने कहा इस स्थिति में अयोध्या जाकर मैं आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि देशद्रोहियों के हाथों से मरना है कि इज्जत की मौत से मरा जाए।